सना खान जो हमारी एक्ट्रेस है काफ़ी नाम से, सना खान की बर्थडे पार्टी में हम रश्मि से मिले राइट, और वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई। बहुत सुलझी हुई लड़की, बहुत सभ्य लड़की, इज्जत देने वाली, मेरी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त, मेरी वाइफ डिज़ाइनर है, उनसे कभी कपड़ों को खरीद फरोख्त हुआ उनके साथ। तो उस आज तकरीबन 5 साल हो गए होंगे, 4 या 5 साल से मैं उनको जानता हूँ। और मेरी बहन एक है सगी, वो मेरे साथ नहीं रहती, वो शादी करने के बाद बाहर चली, तो मुझे कहीं ना कहीं रश्मि में अपनी बहन नज़र आती है और वो आगे भी नज़र आती रहेगी। डिमोलिश समबडीज पर्सनल कैरेक्टर है, बट दिस ऑनेस्टली दिस इज व्हाट हैपेंड दैट नाइट। उस रात मुझे बोला गया कि ये लड़का ठीक नहीं है और ये लड़का रश्मि के लायक नहीं है, वाहिद भाई आप समझाइए। ऐसे ये मौका नहीं है यहाँ पे ये सब बात करने का, मैंने अरहान को बुलाया, आप लोग अरहान से पूछेगा, अरहान को बुलाया मैंने, अरहान ये मेरी बहन है, अगर आगे जाके कुछ उल्टा सीधा तेरे सामने आता है समझ लेना मेरा हाथ होगा तेरे गाल होगा, ये मैंने उसको उसी रात समझा दिया था। लेकिन तब तक बहुत नए थे ये लोग, बहुत सी बातें जो खुली हैं बाद में उस समय तक नहीं खुल के आई थी, मेरे दोस्तों ने भी जो मुझे कहना चाहा शायद उस रात को नहीं कह पाए वो। लेकिन बहरहाल जब वो एक रिलेशन शुरू हो गया था तो उस चीज़ के बीच में आना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है रश्मि के लिए जहाँ पर अरमान की सच्चाई उनके सामने आ गई? देखिए मुझे तो लगता है कि मैंने कहा उसको बिल्कुल, देखिए मेरी बहन है वो, मैं उसको गलत हाथों में जाने नहीं। लेकिन एक तरह मैं भी मजबूर हो जाता हूँ जब दो लड़का लड़की बोलते हैं कि मैं प्यार करता हूँ और मैं प्यार करता हूँ, तो मैं वहाँ कमज़ोर पड़ गया। मैंने उस रात को भी रश्मि को पूछा मेरी एनिवर्सरी वाली रात में उस पार्टी में कि रश्मि व्हाट इज दिस, शी सेड भाई आई लाइक दिस गाय, आई थिंक ही इज़ द वन। मैं चुप हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, जब एक लड़का राजी एक लड़की राजी तो क्या करेगा कर सकता। तो मैं इस बीच में मैं फ़ौरन वॉकआउट कर दिया, मैंने बोला नहीं, लेट्स द फ्लो गो ऑन, अपने आप सच्चाई पता चलती है, सच्चाई छुपती नहीं। और यही देखने को मिला कि जैसे जैसे समय बीता और उसके तुरंत बाद मेरे ख्याल से कम डिस्टेंस था, महीना 2 महीने के बाद ही बिग बॉस हो गया, और उसके बाद उसने इतनी चीज़ें मेरे सामने आई कि मैं हैरान हो गया कि ये शख्स है कौन। और कई दोस्तों ने, कई मेरी वाइफ के सहेलियों ने मुझे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि भाई व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, अरहान मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। अब वो शॉक, ऐसे क्या बोल रही हूँ तुम, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड है, मुझे डिच किया, मुझसे पैसे खाए उसने, ऐसे यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। बोले भाई वी वर स्केयर्ड, देखिए एक भाई बहन के बीच में आने को लोग डरते हैं। मेरा रिलेशन रश्मि के साथ एक बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी सगी बहन के साथ है, शायद वो डर रही थी, लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म मिला, जब उन्होंने देखा कि अरहान इतना बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली जेलसी भी आती है लोगों के अंदर, और एक लड़की सोचती है कि मेरे को डिच किया हुआ लड़का इतने आगे कैसे जा सकता है, और वो सही भी है, और इस लिहाज से उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। तब से मैंने सोच लिया हाथ धो के कि भाई ये लड़का ये रश्मि के लाइफ में नहीं होना चाहिए। तब भी मैंने कई ट्वीट किए कि अगर रश्मि उसके साथ है देन आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, लेकिन अगर जब रश्मि बोल देगी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती तो अरहान क्या, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अरहान का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा भाई एट द सेम टाइम